हम आज खड़े हैं दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इंडो टच प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर वेजिटेबल्स। यहाँ पे हमने कलर्ड कैप्सिकम की खेती की है और इस कलर्ड कैप्सिकम में आप देख रहे हैं जो माध्यम हमने यूज किया है, जिसमें हमने पौधा लगाया है, उस पौधे के लिए हमने कोकोपीट यूज किया है। ये सबसे बेहतरीन काम किया है यहाँ पे के तहत, और इसमें हमें बेनिफिट्स ये मिल रहे हैं कि पर प्लांट जो उत्पादन है वो उत्पादन हमें बढ़ रहा है, ये दिख रहा है, हमें अचीव किया है हमने। ये तकरीबन इस प्रोजेक्ट को 4 साल हो गए, हमने हमारा ये 6वां क्रॉप है और इसमें हमने पाया है कि पहले साल 3 केजी तक पर प्लांट, अभी हमने हार्वेस्ट किया है मोर देन 5 केजी तक, और हमें उम्मीद है अभी ये इस क्रॉप आप जो देख रहे हैं ये क्रॉप की हाइट तकरीबन 7 फुट तक गई है और हमें उम्मीद है कि और भी 3 फुट तक ये क्रॉप की हाइट जाएगी और हमें इसका उत्पादन जो है और भी हमें 2 से 3 केजी तक पर प्लांट मिल सकता है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि पर प्लांट हमारा एवरेज प्रोडक्शन हो जाएगा 5 से 6 किलो तक। तो इसमें हमने यील्ड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाया है, काफी अच्छी फ्रूटिंग हमें यहाँ पे मिली है। डिसीज फ्री पेस्ट फ्री हमारा ये प्लॉट है। बाहर आप देख रहे होंगे कि किसानों के तरफ जहाँ पे जो जितने भी प्लॉट लगे हैं उसमें पेस्ट का पॉपुलेशन और डिसीज का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पेस्ट एंड डिसीज फ्री ये प्लॉट आप देख रहे हैं। बहुत अच्छा वैरायटी हमें इसमें हमने ग्रो किया है और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो तकनीक है, वो हम किसानों को ये सेंटर के तहत हम उनको प्रसारित कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि ये आप अच्छा ग्रोइंग कैसे कर सकते हैं। आपको कलर्ड कैप्सिकम लगाना है, आपको ये कुछ और जो प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन में जो भी एक्सोटिक वेजिटेबल्स लगाने हैं वो आप सही तरीके से कैसे लगा सकते हैं, इसका पूरा ज्ञान हम ये सेंटर के तहत किसानों को देते हैं। और इसमें किसानों को ये बेनिफिट्स हो रहे हैं, यहाँ के जो भी नज़दीक हमारा पूरे महाराष्ट्र के किसान यहाँ पे आते हैं और ये तकनीक जानने की कोशिश करते हैं, उनको बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स लगती है कि कोई भी बिना मिट्टी क्या ये पौधा इतना बड़ा हो सकता है क्या। तो ये तकनीक उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, काफ़ी सारी क्यूरियोसिटी रहती है जानने की, तो किसान बहुत खुश हो रहे हैं। और किसानों ने ये देखा है कि ये टेक्नोलॉजी अभी हम फील्ड पे यूज़ करेंगे, अपने खुद के फार्म पे यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पूरा प्लॉट का हम आपको व्यू दिखाएंगे। ये टेक्नोलॉजी है, इसमें हमने 2 ब्रांचेस दिखा दिए, जैसे आप देख रहे हैं कि हमने जो ट्रेनिंग है प्रूनिंग प्रैक्टिसेस है यहाँ पे मेंटेन की है। खाली पर प्लांट को हमने 2 ही ब्रांच लगे, 2 ब्रांच यहाँ पे ग्रो हो रहे और 2 ब्रांच को हर एक इंटरनोड को हम एक फ्रूट हार्वेस्ट करते हैं। तो ऐसा इतना अच्छा प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे खड़ा किया है। तो ये प्रोजेक्ट का पूरा ओवरव्यू है आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे जो सॉइललेस एग्रीकल्चर करने की जो तकनीक यूज की है, आप इसमें देखेंगे ये ग्रो बैग है, ये जो पॉट है हम इसको बोलते हैं, 6 लीटर का पॉट है, तो इसमें हमने ये प्लांट खड़ा किया है। तो अभी इसमें जो पॉट में ये कोकोपीट डाला है, देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये कोकोपीट है, इसमें हमने डाला है, इस पे ये ड्रिप इरिगेशन के लिए सिस्टम हमने लगाए, इसको हम पेगर्स करते थे, ये पेगर्स है, इस पेगर्स के साथ हम इसको इरिगेशन एंड फर्टिलाइज वाटर, इसको हर एक पॉट को आप देख रहे होंगे कि अलग अलग है। तो अभी जो इसमें आप देख रहे हैं और नीचे ये टब पेपर सिस्टम मिटाए हमने, ताकि जितने भी ये बैग का पानी आ जाएगा आप देख रहे हैं इसमें, तो ये बैग का पानी जो एक्सेस वाटर है उसको हम ड्रेन वाटर बोलते हैं, वो ड्रेन वाटर यहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं। हर एक बैग का पानी ये टब पेपर में आता है और वहाँ से हम पूरा एक कैनल में एक छोटा सैलो बनाया है, उसमें हम कलेक्ट करते हैं पूरे बैग का एक्स्ट्रा वाटर जिसको हम ड्रेन वाटर बोलते हैं। हम उसको ड्रेन वाटर को फिर रिसाइकल करते हैं, इसमें क्या होता है कि सेव वाटर सेव फर्टिलाइजर, ये कंसेप्ट हमने फॉलो किया। तो अभी ये सब टेक्नोलॉजी हो गई, लेकिन ये किसानों के लिए कैसे कर सकते हैं, किसान कैसे इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो शुरू में ये जो स्ट्रक्चर्स है आप इसमें देख रहे होंगे, ये पूरा स्ट्रक्चर्स है, इसको हम इंडो डच स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसकी हाइट आप देख रहे हैं मोर देन 8.5 मीटर हाइट है, नॉर्मल इंडियन ग्रीन हाउसेस की जो हाइट होती है वो 7.5 मीटर की आसपास होती है, ये 8.5 मीटर की ऊपर है। तो इसको टॉप में वेंटिलेशन दिया है, उसको हम बटरफ्लाई वेंट बोलते हैं, जब आप ये ओपन हो जाती तो ऐसे ओपन होती है, बंद हो जाती है तब ऐसे बंद हो जाती है। जो ईस्ट एंड वेस्ट को दोनों साइड को वेंटिलेशन दिया है ताकि एयर सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। देन हमने साउथ को भी हमने क्या किया है, नॉर्थ एंड साउथ को भी वेंटिलेशन दिया है ताकि एयर एक्सचेंज अच्छा हो जाए। देन हमने रिसर्कुलेटिंग ये जो फैंस है, ये रिसर्कुलेटिंग फैंस के हमने यहाँ पे बिठा दिए ताकि अच्छा एयर सर्कुलेशन हो जाएगा।
तो मेन चीज जो क्लाइमेट कंट्रोल है ग्रीन हाउस के अंदर, तो उसके लिए हम ये सब टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम अभी किसानों को ये कहना चाहते हैं कि आप ये टेक्नोलॉजी करनी है आपके खेत में, तो आपको सबसे पहले एक ग्रीन हाउस लगेगा। ग्रीन हाउस की कॉस्ट, मतलब जो ग्रीन हाउस है, नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस होगा आपके पास तो भी आप उसमें कर सकते हैं। आपके पास कोई लो कॉस्ट स्ट्रक्चर होगा, जैसे हम उसको शेड नेट बोलते हैं, उसमें भी आप ये टेक्नोलॉजी खड़ा कर सकते हैं। तो जैसे अभी आप ग्रीन हाउस आपके पास है, आपको ये अंदर का जो ग्रोइंग सिस्टम है ये बिठाना है, तो आपको पहले शुरुआत में क्या लगेगा, आपको शुरुआत में ये ग्रो बैग्स लगेगी। जैसे ये ओपन टॉप है, इसको हम ये बैग बोलते हैं, तो ये बैग आपको लगेगी और ये बैग के अंदर आपको एक कोकोपीट लगेगा। तो इसमें आपका दो ऑप्शंस आपके पास होते हैं, एक स्लैब होता है 1 मीटर का और दूसरा होता है ये ओपन टॉप बैग। तो जो ओपन टॉप बैग जो हम फिल करते हैं विद कोकोपीट, तो उसकी कॉस्ट तकरीबन 70 रुपए, मतलब 70 रुपीज से लेके 90 रुपए तक ये पर पॉट की कॉस्ट जाती है इंक्लूडिंग कोकोपीट। देन उसमें हमने पूरा खर्चा निकाला, जैसे हम 1000 स्क्वायर मीटर की बात करेंगे तो 2.5 लाख के आसपास इसका खर्चा है। टिल 2.5 लाख कब तक कि आपका प्लांटिंग मटेरियल इंस्टॉल करने तक, उसके बाद फिर आपको प्लांट की कॉस्ट आ जाएगी। इसमें प्लांट पर प्लांट की कॉस्ट होती है 10 रुपीज को। एक 1000 स्क्वायर मीटर में आपको 3000 पौधे आप बिठा सकते हैं, तो उसकी कॉस्ट 30,000 ऐड हो गई। तो मतलब आपका जो इंस्टॉलमेंट है, शुरुआत करनी है आपको, तो आपका पॉट कोकोपीट एंड प्लांट्स इसकी कॉस्ट 1000 स्क्वायर मीटर के लिए 3 लाख के आसपास आ सकती है। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो आता है वो प्लांट बैलेंस करने के लिए, उसके बाद जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे फर्टिलाइजर सप्लाई करना है आपको, पेस्टिसाइड सप्लाई करना है, एंड देन आपका बाद में जो हार्वेस्टिंग कॉस्ट है, तो ये सब मिला दिया तो हमने निकाला था कि पर प्लांट और पर केजी, जैसे हम अभी हार्वेस्ट करते हैं तो हमने जो पूरा साइकिल खत्म होने के बाद ये उम्मीद करते हैं कि पर केजी आपका जो कॉस्ट है वो नॉट मोर देन 20 रुपीज। और अभी जो हमने जो अभी फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़े हैं, तो अभी के दाम में साधारणतः 22 रुपीज से लेके 25 रुपीज तक आपका पर केजी का कॉस्ट होना चाहिए, तभी आपको ये प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है। और मार्केट जो रेट है वो मिनिमम एवरेज 40 रुपीज तो होना चाहिए, ताकि आपका पर केजी 15 रुपए आपका नेट मार्जिन, नेट प्रॉफिट आपका होना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपना पूरा प्लानिंग कर देंगे, ये पूरा कॉस्टिंग का बजट हम ये पूरा देख लेंगे, और पूरा कंपोनेंट वाइज, जैसे जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट्स लगे हैं उसका कॉस्टिंग हम देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम कैसे उसको कॉस्ट स्ट्रक्चर हमारे ग्रीन हाउस में बिठा सकते हैं। और देन हम आरओआई की वजह से हम किसानों को ये भी सिखाते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कब होगा आपका। तो ये सब पूरा प्लानिंग हम ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस के तहत किसानों को दे रहे हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के विनती करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान यहाँ पे आए, हमसे बातचीत करें, हमें कांटेक्ट करें, कर सकते हैं आप, या हमें फ़ोन पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप डिटेल्स आपका जो भी प्रॉब्लम्स है खेत में आपके वो हमें भेज सकते हैं। हमारा ये सेंटर आपको पूरे टेक्नोलॉजी के साथ उपलब्ध है, आपको ये पूरा प्लांटिंग मटेरियल भी हम यहाँ से पूरा सप्लाई कर सकते हैं। देन आपको कॉस्ट कैसे कम करना है, ज़्यादा मुनाफा कैसे बढ़ा सकते हैं आप खेत में, ज़्यादा उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसका पूरा ज्ञान ये सेंटर के तहत हम किसानों को दे रहे हैं। सर, आप कैप्सिकम के बारे में मार्केटिंग एंड उसका प्राइस, प्लांट प्राइस, एवरीथिंग आपने बताया भाई। सर, टोमेटो का क्या बता सकते? ओके हाँ, सो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि जैसे आपने, जैसे हमने कैप्सिकम के बारे में सुना कि जैसे पौधा लगाने तक कितना खर्चा है, सेम खर्चा यहाँ पे भी टमाटर का है, बैग का, कोकोपीट का एंड प्लांटिंग मटेरियल का, उतना ही खर्चा होता है। देन जो बाकी का जो खर्चा है वो थोड़ा डिफरेंट है, मतलब कैप्सिकम का जो प्लांट पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है एंड टोमेटो का पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है, थोड़ा डिफरेंट है। टोमेटो में ज़्यादा खर्चा फार्मर का और हमारा, हमने ये पाया है कि पॉलिनेशन जो करना पड़ता है सुबह और शाम को, वो खर्चा थोड़ा लेबोरियस है, तो वो हम अभी कैसे उसको इफेक्टिव कर सकते हैं और उसको कैसे कम लेबर में कर सकते हैं वो हम देख रहे हैं। बाकी चीज़ तो उत्पादन के बारे में हमने सुना, तो जैसे कैप्सिकम में उत्पादन पर प्लांट का हमने देखा था, यहाँ पे उत्पादन थोड़ा ज़्यादा है पर प्लांट, प्रोडक्टिविटी अच्छी है टोमेटो में, वेटेज ज़्यादा है, और इसमें हम ये पा सकते हैं कि जैसे हमें मार्केट में अच्छा रेट मिलेगा तो काफ़ी अच्छा मुनाफा हम यहाँ पे पा सकते हैं। तो आप देखिए, ये सीजन लिफ्ट है, इस लिफ्ट में हम पूरा ये टोमेटो का पैकेज ऑफ ऑपरेशन करते हैं, तो हमारे हमारे जो सुपरवाइजर्स है और डेली लेबर से ट्रेन किया है, वो पूरा ये गाड़ी चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, इसमें पूरा फंक्शनिंग है, आप देख रहे होंगे वहाँ पे पूरा फंक्शनिंग के साथ ये ज्वाइन किया है हमने। आप देख सकते हैं, ऊपर भी देख सकते हैं, नीचे भी देख सकते हैं। आप देखिए, नीचे का बटन दबा दीजिए तो आप ये गाड़ी पूरा नीचे आ जाएगी, और ऊपर का बटन दबाए तो ऊपर आ जाएगी। उसको हैंडल भी है, हैंडल एडजस्ट करने के लिए ऊपर नीचे
चार्ट है, सब है, ब्रेक्स है। तो इसमें क्या है कि जैसे टमाटर का अपने प्लान है, उसको प्रूनिंग करना है, ट्रेनिंग करना है, साइड ब्रांच कट करनी है, तो ये ऑपरेशंस हम इस गाड़ी का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं।